भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष फतेह खान की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने पंडित नेहरू की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान विधायक मेवाराम जैन सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुधवार को 56वीं पुण्यतिथि थी। 27 मई साल 1964 को पंडित नेहरू ने दुनिया से अलविदा कह दिया था। देश अपने नेता की 56वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करता नजर आया। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते बुधवार को कोई बड़ा आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस ने देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। चाचा नेहरू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें आदरांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद मेडिकल एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ विचार गोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने देश के पहले प्रधानमंत्री को याद करते हुए उन्हें भारत के नव निर्माण का आधार बताया। गौरतलब है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज ही के दिन साल 1964 में उनका निधन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भारत चीन युद्ध में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिससे वह विफल हो गए। श्रद्धांजलि सभा में बारहवीं विधायक मेवाराम जैन, जिलाध्यक्ष फतेह खान, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यज्ञदत्त जोशी, पार्षद महावीर जैन, प्रवक्ता मुकेश जैन समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।